अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, आज हम आपको साबूदाना बनाना सिखाएंगे और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी डिश है कि उनको आसानी से ये हजम हो जाती है और कोई खाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। सबसे पहले हम ये 3 खाने के चम्मच जो हैं वो हम लेंगे साबूदाना और ये और 1 कप हम लेंगे दूध और हम पहले साबूदाना को 15 या 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के देंगे। आपने इतना पानी लेना है कि वो जस्ट इसमें डिप हो जाए, ठीक है। और आफ्टर 10 मिनट्स हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, आफ्टर 10 मिनट्स इस तरह का हो जाएगा भीगने के बाद। उसके बाद हम चूल्हे को ऑन करेंगे और बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे। और चूल्हे की आंच को आपने थोड़ा हल्का रखना है, इसे आप पकने देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स पकने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसमें आपने ये जो दूध था ये डाल देना और इसको आपने इस तरह से ही हल्की आंच पे पकाना है। इस तरह से आपने इसमें कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते जाना ताकि ये नीचे बर्तन में ना लगे, वरना ये फौरन से चिपकना शुरू हो जाता है। इसमें हम उसके बाद 2 चम्मच चीनी डालेंगे। ये आप अपने टेस्ट पे, अगर आपका बच्चा ज़्यादा मीठा पसंद करता है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं, और अगर बच्चा मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करता तो आप विदाउट शुगर भी इसको खिला सकते हैं। इस तरह से ये हल्का हल्का सा थिक होना शुरू हो जाएगा। ये बेबी की एज पे भी डिपेंड करता है। अगर बेबी 1.5 ईयर का है देन आप इसको थोड़ा सा और जो है इसे कोस कर सकते हैं, और अगर बेबी बहुत छोटा है तो इसको आप इस तरह की शेप में ही रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा छोटे बच्चों के लिए। और लेकिन जब बच्चों के टीथ निकल आते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा थिक करते हैं ताकि वो आसानी से बच्चे खा लेते हैं, हजम भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक बच्चों के टीथ ना हो तो आप कोशिश करें कि उनको इस तरह से लिक्विड फॉर्म में इसे दें। अभी 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, थोड़ी सी आँच हम ज़रा तेज़ कर लेंगे। लेकिन मेरी बेटी जो है वो 1.5 ईयर्स की है तो इसलिए मैं थोड़ा ये रखा भी थोड़ा सा थिक हो जाता है, इसलिए हम अपने अंदाजे के मुताबिक इसको रखेंगे और वो सब आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि आपका बेबी जो है वो किस तरह का पसंद करता है, कितना ठोस खा सकता है। अब ये देखें, इसकी ये इस तरह से थिक हो गया। ये देखें, इस तरह से ये थिक हो चुका है। अब मैं इस चूल्हे को बंद कर दूँगी और इस तरह से मेरा साबूदाना रेडी हो चुका है। आप भी ट्राई कीजिएगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।